मत मारो, आदिवासी के मसले को जम्मू कश्मीर में एनवाईसी स्कीमों के तहत मुख्तलिफ शोबों में तैनात मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एनवाईसी प्रेसिडेंट की क़यादत में हुकूमत मुखालिफ जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा हुकूमत ने उन्हें मुस्तकिल करने के बजाय उनकी सर्विसेज को ही मुअत्तल करने की कोशिश की है, जिससे वो बेरोजगार हो जाएंगे। एहतजाजों ने मुतालबा किया है कि उन्हें जल्द से जल्द मुस्तकिल किया जाए। पेश है श्रीनगर से वाली ऑनलाइन वेब डेस्क की यह खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम दानिश नजीर है, मैं एनवाईसी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का प्रेसिडेंट और प्रेजेंटली आई एम डिप्लॉयड एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उटलीगाम, वेयर आई एम परफॉर्मिंग एट ड्यूटी एज ए फिजिकल टीचर, वेयर नो देयर इज नो पीएल, नो पीएम, नो आरके, मैं वहां पे अकेला हूं और फिजिकल टीचर वहां पे काम कर, वहां की स्ट्रेंथ वहां के बच्चों की स्ट्रेंथ 500 से ज्यादा है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 2010 में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर आवाम के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया था यहां के नौजवानों के लिए, जिसको हम न्यू नेशनल यूथ कॉर्पस के नाम से जानते हैं। आज का डेट पूरी तरह से लीडिंग न्यूज पेपर में रिक्रूटमेंट निकली, हमने अप्लाई किया हर एक हल्के से, हर एक म्यूनसिपलिटी वार्ड से कम 30-40 बच्चों ने अप्लाई किया। और उस समय उस कमेटी का चेयरमैन था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने जब ने एग्जाम किया फिर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। आफ्टर दैट इंटरव्यू में उन्होंने 50 में से एक बंदे को सिलेक्ट किया गया और उसी नेशनल यूथ कॉर्पस उसे लगा दिया गया। आफ्टर दैट हमें डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय किया गया, हम वहाँ पे काम करते। फिर हमने जब गवर्नमेंट ने हमारा काम देखा तो हमने गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखी, गवर्नमेंट हमारे लिए एक कैबिनेट डिसीजन नंबर लेके आई। कैब मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कैबिनेट डिसीजन नंबर अभी भी आप गूगल पे सर्च कीजिए, अभी भी आप जीएडी वेबसाइट पे सर्च कीजिए, कैबिनेट डिसीजन नंबर 192 सर्कुलर 2014 डेटेड 22 अक्टूबर 2014। और उसमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर भी आया था, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 737 EDU 2014 डेटेड 22 अक्टूबर 2014। उसके उस वक्त के जो एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन कबरा, उसके सिग्नेचर थे। हेडिंग उसकी ये थी कि अपग्रेडेशन ऑफ 800 स्कूल्स फ्रॉम मिडल लेवल टू हाई लेवल एंड हायर लेवल टू हायर सेकेंडरी लेवल एंड क्रिएशन 6000 स्पेशल पोस्ट फॉर दीज एनवाईसी एम्प्लॉइज। फिर यहाँ पे सरकार गिरी, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की कोलिशन आई, उन्होंने उस कैबिनेट ऑर्डर को अप्लाई किया, 800 स्कूलों के बजाय 900 स्कूल अपग्रेड किए। मैं भी अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी में काम कर रहा हूँ, बट जो हमारे लिए पोस्ट है उन पोस्ट को उन्होंने रिक्रूट नहीं किया, उन पोस्ट को उन्होंने फ्रीज करके रखा। फिर हमने एक फिर हमने अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखी, उन्होंने हमें SRO 520 में रखा, वहां भी हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं था। आफ्टर दैट हमने LGA एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी गोवर लगे, उन्होंने एक कमेटी बनाई चार कैटेगरी के लिए, NYC REK भाई, REZ भाई और REG भाई, सब यही जम्मू कश्मीर के हैं, ना कोई पंजाब का है, ना कोई हरियाणा का है, ना कोई हरियाणा का है। और उसके बाद उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने इश्यूज रिलेटेड टू वेरियस स्कीम, और उसमें चौथे पॉइंट पे ये रखा था कि एग्जाम दीज एंगेजमेंट्स ऑन द रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।